Hello and welcome. In my last video, I talked about these B lymphocytes and I told you that it has many forms like Bragg cell, B1 cell, B2 cell, memory B cell and plasma cells. Among those, memory B cell and plasma cell are very very important. So this will be our topic. पिछले वीडियो में जो मैंने बताया था कि ये B lymphocyte इसके बहुत नमूना होते हैं जैसे Bragg कोशिका, B1 कोशिका, B2 कोशिका, memory B कोशिका और plasma कोशिका. इनमें से मेमोरी बी कोशिका और प्लाज्मा कोशिका बहुत इंपॉर्टेंट है. तो पहला टॉपिक है हमारा प्लाज्मा सेल, आल्सो नोन एज प्लाज्मा बी सेल, आल्सो नोन एज इफेक्टर बी सेल्स. नाउ दिस सेल्स प्रेजेंट्स इन आवर ब्लड एज वेल एज लिम्फेटिक सिस्टम इन डायरेक्ट मेसोडर्मल ओरिजिन. साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स. न्यूक्लियस इज बिग एंड स्टेज एट पेरिफेरी. सेल सरफेस इज एसोसिएटेड विद CD19, 20, 27, 28, 138, 139 एंड interleukin 6. These are special protein markers which we'll talk about later, not now. And the function is it helps to fight against microbes. मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो आज का टॉपिक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो प्लाज्मा कोशिका है, इसका एक और नाम है प्लाज्मा बी कोशिका, एक और नाम है इफेक्टर बी कोशिका. और जैसे आपको पता है कि ये हमारे खून में रहते हैं, साथ ही साथ हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में भी रहते हैं और ये घुमा फिरा के मेसोडर्म से पैदा हो रहा है. और इसका जो कोशिका का अंदर जो पानी है मतलब साइटोप्लाज्म, इसमें हर तरीके का सेल ऑर्गेनेल होता है मगर इसका न्यूक्लियस थोड़ा किनारे में रहते हैं, ठीक है. इसका जो कोशिका का ऊपर वाला सर्फेस है मतलब सेल सर्फेस CD19, 20, 27, 78, 138, 139 और इंटरल्यूकिन 6, ये कुछ खास प्रोटीन मार्कर होते हैं जो सेल सर्फेस में लगा हुआ रहता है. इसका काम है कीटाणु मतलब वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, पैरासाइट, इन सब के खिलाफ लड़ना. एंड लास्टली अवर मेमोरी बी सेल, अगेन इट्स अ काइंड ऑफ बी लिम्फोसाइट प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी, लाइफ स्पैन इज लाइफ लॉन्ग. सो द सेल सरफेस इज एसोसिएटेड विद CD27, ऑल काइंड्स ऑफ एंटीबॉडी लाइक बीट्स ओनली ड्यूरिंग माइक्रोब्स इन्फेक्शन एंड इट रिकॉग्नाइजेस द एंटीजन नेचर ऑफ द माइक्रोब्स लाइफ लॉन्ग which helps to fight against in future microbes infection, also helps in vaccination mechanism. मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो memory B कोशिका है, ये भी एक तरीके का B lymphocyte है, जो हमारे शरीर में हर जगह रहता है और पैदा होने के बाद ये उम्र भर ये जिंदा रहता है. मतलब जब तक आप जिंदा हो तब तक आपके शरीर में memory B कोशिका है, ठीक है. इस कोशिका का जो ऊपर वाला एरिया मतलब सेल सरफेस मतलब कोशिका का पर्दा, इसमें CD27 एंटीबॉडी मतलब इम्यूनोग्लोबिन ADEGM ये सब जुड़ा हुआ रहता है. अब CD27 प्रोटीन मार्कर क्या है, इम्यूनोग्लोबिन क्या है, एंटीबॉडी क्या है, ये सब हम बात करेंगे अभी नहीं. जब भी हमारे शरीर में कोई बीमारी होती है कीटाणु के द्वारा जैसे आपका वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, पैरासाइट, तो ये मेमोरी बी कोशिका एक्टिवेट होता है. साथ में कौन से टाइप का कीटाणु हम पर अटैक कर रहे हैं तो उस टाइप को पहचान कर रखते हैं, पहचान कर याद रखता है. तो याद रखने से क्या होता है, याद रखने से अगर वही कीटाणु एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद या फिर एक साल बाद अगर फिर से हम पर अटैक करते है, हमको बीमार बनाते है, तो ये मेमोरी बी कोशिका साथ ही साथ पहचान लेते है और हमारे शरीर का जो रोग प्रतिरोध क्षमता है मतलब इम्यूनिटी, इसको फिर से जगा देते हैं, तो उस कीटाणु के खिलाफ लड़ने का क्षमता हम पर हो जाता है. और इसी वजह से जो हम वैक्सीन लगाते हैं, वैक्सीन लगाने का जो काम करने का तरीका है, इसमें भी मदद होता है. अब वैक्सीन क्या है, वैक्सीन कैसे काम करते हैं, वो सब हम बात करेंगे अभी नहीं.